टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, इसमें आपके जो टीचर्स होते हैं या आप जो पढ़ना चाहते हो वो होता है मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वो क्रॉस करें, मिनिमम टाइम जिसमें वो क्रॉस करें। नहीं, ये पढ़ने का गलत तरीका है। पहले कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर, देखो वीडियो, और अगर तुमको मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम देखना है तो वीडियो के एंड में चले जाओ, पर अगर समझना है पूरा कंसेप्ट। हेलो बच्चों, आज बात करेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम की, जिसको आप रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हो, मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम बोलते हो, और पता नहीं किस किस तरह से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं कि ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस। नहीं यार, उसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है ना वो समझ लो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो उसको आप रिवर बोट बोलते हो, ठीक है, या आप उसको रिवर स्विमर बोलते हो, रिवर स्विमर, या उसी प्रॉब्लम कई लोग एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम बोलते हैं, एरोप्लेन विंड, सबका कंसेप्ट सेम है यार। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन सबके सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, होता क्या, जैसे रिवर वाला समझो, मान लो यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये छपाक, ठीक है, और मान लो नदी इस दिशा में, इस दिशा में वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारी, मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, सीधा एग्जांपल पे आ जा, इस दिशा में रिवर फ्लो कर रहा है, तब वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जब एरोप्लेन विंड बोलेगा तो विंड फ्लो करेगी। यहाँ अपना एक बंदा है प्यारे लाल, ओ प्यारे लाल, पी पी से फिजिक्स वाला भी है, ठीक है, ये बंदा इस पॉइंट ए से स्विम करना स्टार्ट करेगा, चक 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 चक, और ये स्विम किया एकदम परपेंडिकुलर, कैसे स्विम किया एकदम परपेंडिकुलर, छपाक छपाक छपाक, इसको लग रहा है, इस स्विमर को लग रहा है कि ये भाई साहब स्विम कर रहे हैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर विद अ स्पीड ऑफ मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, इनको ऐसा लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर स्विम कर रहे हैं, ठीक है, पर रिवर क्या करेगा, इनको फ्लो करा के थोड़ा इधर ले जाएगा। ठीक है, मान लो कोई बंदा यहां अंदर है, ठीक है, ये आप हो, ए ए फॉर आप अंदर चले गए पानी में, आपने इसको देखा प्यारे लाल को, है ना, तो आपको ये कैसा दिखेगा जाता हुआ, सीधा, क्यों भाई, क्योंकि आप भी पानी के अंदर, ये भी पानी के अंदर, दोनों ऐसे फ्लो हो रहे होंगे और दोनों के फ्लो होते होते या सीधा जा रहा होगा, तो आपको इसका मोशन कैसा दिखेगा, सीधा, भाई आप दोनों एक ही फ्रेम में हो, आप भी फ्लो कर रहे हो, ये भी फ्लो कर रहा हो, ये साथ साथ ऊपर जा रहा है, आप भी फ्लो कर रहे हो, ये भी फ्लो कर रहे हो, साथ साथ ऊपर जा रहा, तो आपको ये इसका मोशन कैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता हुआ। तो जो बंदा अंदर है ना, उसको ये दिखेगा परपेंडिकुलर जाता हुआ, मतलब जो बंदा रिवर के अंदर है उसको ये सीधा जाता हुआ दिखेगा, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर रिवर के अंदर ही जाकर कोई देखेगा तब तो ये परपेंडिकुलर दिखेगा मूव करता हुआ, पर मान लो आपको मैं बाहर ले आऊं ग्राउंड पे, अब आप क्या सोचोगे, अब आपको इसका मोशन कैसा दिखेगा, आप बाहर से देखोगे तो देखोगे ये बंदा तैर तो ऐसा रहा चाह रहा है, ऐसा तैरना चाह रहा है, पर रिवर इसको फ्लो करा रहा है, ये सोच रहा था कि हम ऐसे निकल जाएं, पर रिवर इसको ऐसे फ्लो करा रहा, मतलब इसका नेट मोशन ऐसा होगा, ये ऐसे जाना चाहता था, रिवर ऐसे ले जा रहा है, नेट मोशन, यानी बाहर से देखने पे आपको इसकी वेलोसिटी ऐसी नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसी भी नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी। ये चलना चाहते थे सीधा सीधा, रिवर ने इनको ड्रिफ्ट कराया ऐसे, और बाहर से देखने पे इनकी स्पीड आपको ऐसी दिखेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ग्राउंड से देखा तो ये ऐसे टेढ़े मुंह करते हुए दिखे, अंदर जाके देखा तो ये सीधे जाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि अंदर जब आप जाओगे, आप भी फ्लो करोगे, ये भी फ्लो करेंगे, तो इनका सिर्फ सामने वाला मोशन दिखाई पड़ेगा, बाहर से ऐसे दिख रहे थे। ठीक है, इतनी लॉजिक समझ में आएगी। अब मान लो हमसे बोला कि ये जो विड्थ ऑफ रिवर है, सवाल से ही समझोगे, सवाल करते जाओ, विड्थ ऑफ रिवर 5-6 सवाल कराएंगे, एकदम बढ़िया हो जाएगा कंसेप्ट। मान लो विड्थ ऑफ रिवर हमको दे रखी है 16 किलोमीटर। अब हमसे दो चीजें पूछी इस सवाल में, एक तो आप टाइम बताइए, टाइम टू क्रॉस रिवर, कितने टाइम में इस बंदे ने रिवर को क्रॉस किया, ठीक है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट कि एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइव्स, कौन सा बैंक, पैसा वाला बैंक नहीं, पैसा देखते ही आंख निकल आई, ऑन द अपोजिट, मतलब ये बैंक होता है ना रिवर का बैंक, तो किस जगह पे वो पहुंचा, निकला ए से, जाना कहां चाहता था, बी पे, भाई उसकी इच्छा थी बी पे जाने की, वो सीधा सीधा तैर रहा था, पर रिवर उसे फ्लो करा के कहां ले आया, सी पे, तो हमसे पूछा है कहां पे अराइव किया। चलो अब कंसेप्ट समझते जाओ, एक चीज तो पहले समझो कि हम इस पूरे क्वेश्चन को हमेशा ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे, कहां से करेंगे बोलो मेरे साथ, ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से करने में बड़ी आसानी रहेगी, हमेशा इसको यहां से देखो, यहां से देखने से इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक तो ये सीधा जाना चाह रहा है, एक रिवर इसको ऐसे ले जा रहा, तो हम ग्राउंड फ्रेम से
अगर इसकी वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में 4 दिख रही है, यानी 4 इन दी जे कैप डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 दिख रही है, मतलब 3 इन दी आई कैप डायरेक्शन। को समझ में आ रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल जा रहा है, 4 वर्टिकल, बस इतनी ही लॉजिक लगानी, बहुत रिलेटिव वेलोसिटी का खेल करना ही नहीं। करने को यार मैं ये सब कर सकता हूँ, दिमाग खराब। ये देखो, इसको निकालने का और तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ कि ना भाई, यही तो होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लगा दिया। ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 4 ऊपर की तरफ, तो मैंने लिख दिया 4 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रही रिवर की वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 3 इन दी आई कैप। यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 3 आई कैप इधर गया, 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप, अरे यही तो लिखा था, क्या जरूरत है ये सब करने की। यार इतना समझो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो ग्राउंड से देख रहा है, वो 2 वेलोसिटी कंबाइन करके आ रही है। जब आप यहां से देख रहे हो ऐसे, तो आपको 2 वेलोसिटीज की दिख रही है, एक तो जो ये खुद तैर रहा है, और एक जो रिवर इसको फ्लो करा रहा है। आपको ये ऐसा जाता हुआ क्यों दिख रहा है, एक तो ये खुद तैरना चाह रहा है, दूसरा उसको रिवर, मतलब इतना समझो, जब बाहर से देखोगे तो दोनों वेलोसिटी को देखना, एक तो जो बंदा ये खुद से तैर रहा, एक जितना रिवर इसको ऐसे 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 मूव करा रहा। तो मैंने किया क्या, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो किया मैंने, यहां भी देखो यही तो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो, एक तो इसकी वेलोसिटी रिवर खटम खचक कुछ का। अच्छा अब आ जाओ, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम टू क्रॉस रिवर, तो यार रिवर की विड्थ कितनी है, 16 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में इस बंदे की वेलोसिटी कितनी है, और सबको कहां से देखना है मेरे भाई, बाहर से देखने पर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, 4 है ना, 4 जे कैप। तो आप एक काम करो, वर्टिकल मोशन कंसिडर करो, वर्टिकल मोशन देख लो, वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, 16 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आर। हाँ कि ना भाई, 4 किलोमीटर पर आर किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में 4 जे। यहां से टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 16/4 कितना आ गया, 4 आर। तो 4 घंटे में ये यहां से यहां पहुंच जाएंगे, 4 आर। अगला सवाल, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। इतना समझ लो, जब वर्टिकल डायरेक्शन देखा तो इसकी वेलोसिटी का टोटल वर्टिकल कंपोनेंट देखो, टोटल वर्टिकल 4 है, क्योंकि रिवर वाला वर्टिकल में कुछ ऐड नहीं कर रहा। तो हमने वेलोसिटी 4 ली, डिस्टेंस 16, और आंसर निकाल लिया। एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स, यहां पे पहुंचा, कितना खिसक गया, ये जो खिसक गया ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो हमसे पूछ रहा है कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो अगर बच्चों ड्रिफ्ट की बात करो, तो आपको दिख रहा है ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ है, एक्स डायरेक्शन में, यही करना है बस, वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इसमें देखना है एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल। तो एक बात बताओ, बाहर से देखने पे इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 3, 4 जे कैप आई थी, 3 आई कैप आई थी, तो एक्स डायरेक्शन में आई है ना। तो यार डिस्टेंस जो कवर किया क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, एक्सेलरेशन तो है नहीं, स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, 4 आवर में वो यहां से यहां जा रहा है, और एक्स में यहां जा रहा है, तो वही टाइम, तो जितने टाइम में यहां से यहां सोच रहा है पहुंचा, उतने टाइम में ये भी ड्रिफ्ट किया और पहुंचा नेट यहां, तो 3×12 किलोमीटर, तो कितना ड्रिफ्ट कर गया, द ड्रिफ्ट इज 12 किलोमीटर। अब और क्या पूछ सकता है इसमें भाई साहब आपसे, और आपसे पूछ सकता है एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस स्विम किया, उसे लग रहा है वो 16 किलोमीटर स्विम किया रिवर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि विड्थ कितनी है, 16, और ये कितना आया है, 12। तो असल में वो 16 कहां स्विम किया, उसको लग रहा था वो 16 स्विम किया, स्विम तो वो इस रास्ते से किया है भाई, उसे लग रहा है मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूं, बाहर से हम देख रहे हैं वो तो ऐसे स्विम किया है, तो नेट डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो उसने स्विम किया वो ये निकाल सकते हो, ये 16, ये 12, तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अपना 4 का स्क्वायर कॉमन, 4 का स्क्वायर कॉमन, 4 बाहर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, 3 4 जा 12, 4 का स्क्वायर बाहर ले लिया, ये हो गया 5, 5 4 जा 20, 20 किलोमीटर, सो दिस इज 20 किलोमीटर। इसको निकालने का एक तरीका और है, क्या, आप सुनो, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड निकाल लो,
और इस डायरेक्शन में टाइम तो वही रहेगा 4 आवर, है ना। जैसे हमने बोला कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, एसी, तो एसी डायरेक्शन में इसकी स्पीड बताओ मेरे को। देखो इस तरफ है, इस तरफ स्पीड कितनी थी 4, इस तरफ स्पीड कितनी थी 3, तो इस तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम तो यार उतना ही रहेगा 4 आवर में, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी है, 5 × 4 = 20 किलोमीटर। समझ में आया? और क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ लॉजिक। बाहर से देखना है लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, जो वर्टिकल मोशन है वो वर्टिकल स्पीड से कवर होगा, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड से होगा, ठीक है, इतनी लॉजिक है अभी। और टाइम जो इस वाले डिस्टेंस के लिए वही टाइम, इस डिस्टेंस के लिए वही टाइम, इस डिस्टेंस के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके, समझ में आएगा। मान लो ये रिवर है, अच्छा जैसे रिवर था वैसे ही विंड हो जाएगी, जैसे स्विमर था वैसे एरोप्लेन, या स्विमर की जगह बोट भी हो सकती है। जैसे मैंने स्विमर लिया है तो स्विमर की जगह बोट भी हो सकती है, कि बोट इधर जा रही उधर जा रही। अच्छा मान लो ये रिवर फ्लो कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, शाक 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 शाक, ये पानी, ये पानी रहे। और मान लो ये डिस्टेंस मेरा है, दिस विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, ये विड्थ है, हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर, और मान लो ये विड्थ ऑफ रिवर हमारा है सपोज 30 किलोमीटर। यहाँ से एक बंदा ऐसे तैरा रिवर के डायरेक्शन से, ऐसे, अब सीधा नहीं तैरा, रिवर के डायरेक्शन से ऐसे, कितने एंगल पे, मान लो यहाँ से तैरा 37 डिग्री पे एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड पे, 10 किलोमीटर पर आवर पे, और कितने एंगल पर तैरा, 37 डिग्री पे, ठीक है। और रिवर उसको ऐसे फ्लो करा रहा, हमसे वही सवाल पूछा है क्या, पॉइंट नंबर 1, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। और हमसे दूसरा सवाल पूछा है क्या, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव। और हमसे तीसरा पॉइंट पूछा है, अच्छा व्हाट पॉइंट डज ही अराइव में हम निकालते हैं क्या है, ड्रिफ्ट, क्या निकालते हैं, ड्रिफ्ट। और तीसरा पॉइंट हमसे पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। तो सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप बाहर आ जाओ और बाहर से मोशन देखो, बाहर से मोशन देखोगे, ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में वो ऐसे टेढ़ा तैर रहा है, बाहर से देखोगे तो कुछ ऐसे जाएगा और कुछ रिवर इसको वापस लाएगा, कोशिश तो ये कर रहा है इधर जाने की पर रिवर इसको ऐसे लाएगा, ये टारगेट तो इधर कर रहा है पर हो सकता है थोड़ा इधर आए। अच्छा अब मेरी बात सुनो, टीचर्स कहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे और गलत बताएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ऐसे गया, रिवर ऐसे लाया, यहाँ पहुँचा, आप यहाँ से वर्टिकल लाइन बना दो, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों भाई, अरे क्यों भाई, हो सकता हो इसके पीछे जाने की वेलोसिटी रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकता हो जिस स्पीड से पीछे जाना चाह रहा हो वो उस स्पीड से ज़्यादा हो, तो फाइनली ये पीछे ही तो पहुँचेगा। हो सकता है रिवर की वेलोसिटी इसके पीछे जाने वाली वेलोसिटी से ज़्यादा हो। यार चलो निकाल के देखते हैं, इसके दो कंपोनेंट करो पहले, कचक कुचुक, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितने आएगा, 10 cos 37, इधर कितना आएगा, 10 sin 37, 10 cos 37, 10 sin 37। यार 37 वाले ट्रेंगल, ये 37, ये कितना होता है, 3 4 5, ये होता है 37, 3 4 5, यहाँ से cos 37 बोलो 4/5, 5 × 2 = 10, कितना आया 8, यहाँ से sin 37 बोलो 3/5, कितना आया 6। तो ऊपर की तरफ इसकी स्पीड 6 है, पीछे की तरफ 8 है, ठीक है। तो जो स्विमर की स्पीड है, विड्थ कितनी है 30, मैं यहाँ लिख ले लाऊँ 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी जो स्विमर की स्पीड है, स्विमर की स्पीड पीछे की तरफ 8 है, ऊपर की तरफ 6 है, ठीक है। अब रिवर भी तो इसको इधर ला रहा है, किस स्पीड से, 8 से, तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड 0 हो गई। अब समझ में आई बात, ये रिवर वाली स्पीड भी तो इसी पे लगेगी। जब आप बाहर से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। जब बाहर से देखोगे तो आपको स्विमर की दो स्पीड दिखेगी, एक तो जो वो खुद तैर रहा, एक जो उस पर रिवर भी स्पीड अपनी लगा रहा, रिवर भी तो उसको ड्रिफ्ट करा रहा, बहा रहा है कि नहीं। तो बाहर से देखने पे स्विमर की दो स्पीड देखेगी, एक स्विमर की खुद की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक प्लस रिवर जो उसको इधर उधर बहा रहा। तो हमने स्विमर की स्पीड ली, स्विमर की स्पीड के दो कंपोनेंट बनाए, 10 था 37 डिग्री पे,
तो दो कंपोनेंट, एक 8 इधर 6 उधर, और रिवर की स्पीड कितनी 8, तो वो इधर लग गई 8, तो इसके ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो गई 0। यानी अगर हम स्विमर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो सिर्फ 6J कैप है, ये तो कैंसिल हो गया। अरे भाई ये नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? जब आप ग्राउंड से देखते हो तो एक तो स्विमर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक तो स्विमर की अपनी स्पीड और एक जो रिवर की स्पीड, दोनों ऐड हो गई, तो 8-8 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि इस समय बाहर से देखने पे आपको स्विमर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड नहीं दिखेगी, मतलब बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि स्विमर सीधा गया ऊपर। भाई उसके पास कौन सी स्पीड है? सिर्फ वर्टिकल, तो यहां से सीधा यहां गया। पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, हो सकता हो ये 10 आता, ये 8 आता, तब ये 2 की स्पीड से इस तरफ भागा होता। हो सकता हो ये 6 आता, 4 आता, ये 8 आता, तब ये 4 की स्पीड से इधर जाता। देखना पड़ेगा ये। अच्छा, अब इसको स्कूल में टीचर्स कैसे बनाते हैं? वो बोलते हैं देखो बेटा इधर जाना चाहता था, हाँ 10 की स्पीड से, हाँ रिवर इधर लाया, हाँ कितनी स्पीड से 8 की, हाँ देखो वापस पहुंच गया। तो वापस हमेशा उसी पॉइंट पे पहुंचे ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्टली अपोजिट ए से चला हमेशा बी पहुंच जाए। डिपेंड करेगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर रही है कि नहीं। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ये इधर भागेगा, कम होगी तो ये इधर भागेगा। खैर इस सवाल पे वापस आते हैं। पहला सवाल है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, तो रिवर की विड्थ कितनी है 30, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन स्पीड कितनी आ रही है 6। वैसे भी देखो ये 10 8 तो ये 6, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, आजा टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस 30, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 6, 30/6 5R, तो पहला आंसर हो गया 5R। जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस लो उस डायरेक्शन की स्पीड लो, इस डायरेक्शन की डिस्टेंस 30, स्पीड 6, ठीक। नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, जिसको आप ड्रिफ्ट बोलते हो, यहां से कहां पहुंचा, वर्टिकली अपोजिट, तो दूसरा आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। कोई पूछे ड्रिफ्ट कितनी हुई, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये मेरे भाई ये ड्रिफ्ट नहीं है, जहां से चला था एग्जैक्टली सामने पहुंचा है, ड्रिफ्ट 0 है, बिल्कुल भी अपने पॉइंट से मूव नहीं किया, वो यहां से चला था सीधा इसके सामने पहुंचा है, रिवर ने उसको कुछ ड्रिफ्ट नहीं किया, रिवर ने उसको ड्रिफ्ट किया है, पर हुआ क्या है कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने रिवर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को काट दिया, ओवरऑल वो बंदा जहां से चला था वापस वहीं पहुंच गया। अगर कोई पूछे व्हाट डिस्टेंस ही मूव्स ड्यू टू रिवर, व्हाट डिस्टेंस ही मूव्स ड्यू टू रिवर, तब बोल दो ये, बट हुआ क्या है कि रिवर उसको जितना इधर लाना चाह रहा था, रिवर उसको देखो रिवर की स्पीड कितनी है 8, रिवर कह रहा था तुम यहां से इधर आ जाओ, और ये कह रहा था कि हम इधर जाएंगे, तो दोनों कैंसिल होके वो सीधा ऊपर पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट इज 0। एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, वो सोच रहा था हम ऐसे तैर रहे हैं रिवर से एंगल बनाकर, रिवर उसको इधर ले आया, तो एक्चुअल डिस्टेंस ये हुआ कि नहीं, ये वाला, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, ये वाला डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स इज 3 किलोमीटर्स, ठीक है, समझ में आया। कंसेप्ट पे ध्यान दो, लर्निंग पे नहीं, अभी क्वेश्चन और लेंगे, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आपकी स्क्रीन पे हम चला देते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ठीक है, हमने एचसी वर्मा बुक से उठा लिया था क्वेश्चन, कई दिन से आप लोग बोल रहे थे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये दे रहा है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर that flows at 2 km/h, मतलब ये velocity of river, and reach the point directly opposite to starting point, इसकी इच्छा है कि directly opposite to starting point पहुंच जाए, in which direction should he try to swim, how much time will he take to cross the river if river is 500 meter wide, ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करें, आइए वापस देखते हैं, ठीक, तो हमसे बोल रहा है कि ये रिवर है और रिवर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, और जो बंदे की वेलोसिटी है वो है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, और वो ए से निकलकर कहां पहुंचना चाह रहा है, बी पे पहुंचना चाह रहा है, ए से निकलकर बी पे पहुंचना चाह रहा है। अच्छा ये बताओ अगर वो इस तरह से चले 3 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या वो ए से निकलकर बी पे पहुंचेगा, अब तो आपकी लॉजिक क्लियर है कि वो ए से निकलेगा पर पहुंचेगा कहीं यहां, क्योंकि रिवर उसे ड्रिफ्ट करा देगा, तो वो इस तरफ तो नहीं चल सकता है ना, उसे किसी एंगल पे इधर भागना चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसे एंगल पे भागे कि रिवर उसे ड्रिफ्ट करा के वापस ले आए, मतलब वो जाना तो ऐसा चाहेगा पर रिवर उसे ड्रिफ्ट करा के वापस इस जगह पे ले आए, है ना,
ऐसे कुछ एंगल पे भागे कि रिवर ड्रिफ्ट करा के इधर ले आए। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा और इधर रिवर की स्पीड अपन लिख लेंगे 2। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता सकता हूं कि ये 3 2 तो ये निकाल लो, नहीं ये थीटा निकाल लो, नहीं मैं कंसेप्ट बताऊंगा। आओ तुम यहां से देख रहे हो, कंसेप्ट से करोगे तभी मजा आएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज समझ में आने लगी है कि नहीं? ग्राउंड से देखने पे एक तो इसकी खुद की स्पीड ये वाली विद रिस्पेक्ट टू रिवर और एक रिवर की स्पीड दोनों ऐड होती है। आ जाओ तो ये 3 किलोमीटर पर आवर से इधर भाग रहा है, ठीक है, एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो इसके 2 कॉम्पोनेंट, एक ऊपर की तरफ आएगा 3 cos थीटा क्योंकि इधर थीटा है, इधर कितना आएगा 3 sin थीटा। अब सवाल में बोला है कि वो कैसे स्विम करे दैट ही अपोज टू एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। तो यार एग्जैक्टली अपोजिट पे पहुंचना है मतलब उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड हुई तो वो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अच्छा, रिवर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी दे रहा है 2 और इसकी खुद की 3 sin थीटा, रिवर इस तरफ 2 तो इसके पास सिर्फ वर्टिकल स्पीड होनी चाहिए, मतलब ये स्पीड आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। कंसेप्ट समझो, तो 3 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2, यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। समझ में आया? इसकी स्पीड के 2 कॉम्पोनेंट बनाए, एक ऊपर की तरफ 3 cos थीटा, एक इस तरफ 3 sin थीटा, बाकी रिवर उसे इस तरफ ले जा रहा है 2 से। ओवरऑल ना ये इधर जा रहा है ना उधर सीधा जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 विल बी दी आंसर। अब देखो यहाँ ट्रायंगल से ही बता सकता था मैं, यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर यार कंसेप्ट से करो चीजें, ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट पूछा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। अब इसके समय पूछ रहा है हमसे, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, वो डायग्राम बना रहे हैं। दो डिस्टेंस कितना है 0.5 किलोमीटर, हमसे पूछ रहा है टाइम बताइए। तो बच्चों वर्टिकल डिस्टेंस लिया है आपने 0.5 किलोमीटर, कौन सा डिस्टेंस है वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लो। वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा। आपने साइन थीटा निकाला था, अभी कितना आया था 2/3, आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 - sin² थीटा, तो अंडर रूट 1 - 4/9, 9 - 4 √5, अंडर रूट 9 3, तो 0.5 upon 3 into √5/3, 3 से 3 मर गया, 0.5 upon √5, तो इसको हटाया यहाँ पे 10 लिख लेंगे, 5 × 5 = 10, तो 1/2 √5 hours विल बी दी आंसर। समझ में आया? टाइम निकालने के लिए जिस तरह का डिस्टेंस लो उस तरह की वेलोसिटी। जैसे आपने वर्टिकल डिस्टेंस लिया तो मैंने इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, रिवर तो इसको कोई वर्टिकल कंपोनेंट देगा नहीं, रिवर वाला वैसे भी कैंसिल हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज 3 cos थीटा। 3 cos थीटा निकालना था, साइन थीटा पता था, cos थीटा निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का मैं इस ट्रायंगल से भी निकाल सकता हूं, ये 3 2, तो ये कितना होगा अंडर रूट 3² - 2² अंडर रूट 9 - 4 कितना आया √5, तो सीधा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 0.5 upon speed अंडर रूट 5, देखो यही आ रहा, यही आ रहा है 0.5 upon √5, यही तो फंस रहा है लास्ट में। समझ में आया? पर मैं कंसेप्ट से कर रहा हूं कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 3 cos थीटा फिर निकाल के, ठीक है। अच्छा अब बताता हूं इतनी देर से मैं कंसेप्ट से सवाल क्यों कर रहा था, क्योंकि अगला सवाल जो स्क्रीन पे आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम का नहीं है। अभी तक सारे सवाल किससे हुए हैं? पाइथागोरस से। अगला सवाल पाइथागोरस से नहीं होगा, तो अब देखो नेक्स्ट सवाल नोट करिए, देखिए स्क्रीन पे आया है, पॉज करके सॉल्व करिए। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो इसकी स्पीड दी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। He keeps himself at an angle of 120 degree with respect to river while swimming. तो रिवर्स की स्पीड से खुद को 120 डिग्री पे रखा है। रिवर की स्पीड कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर और मैन की स्पीड कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है और किस पॉइंट पे पहुँचेगा ये पूछा है। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर एट वॉट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो पहले ट्राई कर लीजिए पॉज करके, आइए देखते हैं। तो जो मैन है इस बार ये ऐसे तैर रहा है, कितनी स्पीड से तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। कितने एंगल पर है? अगर ये रिवर का फ्लो है तो इससे कितने एंगल पे है 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री क्या बोला है
विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर की स्पीड ये है, उससे 120 डिग्री पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये टू किलोमीटर, तो पहले पूछा है टाइम और किस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये दो बातें, ठीक है। तो बच्चों ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। आप आ जाओ ग्राउंड फ्रेम पे खटाक से, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, एक स्विमर की और एक रिवर की, दोनों ही हमको मिलाकर दिखेंगी। तो स्विमर की वेलोसिटी कितनी है 3, ये एंगल कितना है बच्चों 60। आइए इसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक पीछे की तरफ जाना चाह रहा है 3 cos 60 हो जाएगा इस बार, क्योंकि इधर थीटा है, और इस तरफ 3 sin 60, जिधर थीटा होता है उधर cos लेते हैं। cos 60 इज 1/2, तो हो गया 3/2, ओके ओके ओके, यानी 1.5, ठीक है, पीछे की तरफ 1.5, तो पीछे की तरफ हमारी कितनी आ गई 1.5, और ये 3 sin 60, sin 60 इज √3/2, सो दिस इज 1.5 √3, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 1.5 √3, इस तरफ 1.5। अब रिवर की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आर इस तरफ, तो ये भी इसमें ऐड होगी हॉरिजॉन्टल में 2 1.5। अब देखो नेट स्पीड जीरो नहीं हुई हॉरिजॉन्टल में, यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम फेल कर जाएगा और टीचर्स का वो मेथड फेल कर जाएगा जो वो पाइथागोरस से बता रहे थे सारे क्वेश्चन। अब सिर्फ कंसेप्ट चलेगा, अब देखो सिर्फ कंसेप्ट, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कॉस 60 एक साइन 60, ये 1.5 आया, ये 1.5 √3 आया, बहुत बढ़िया। अब रिवर इसको इधर ले जाना चाहता है 2 से और ये इधर जाना चाहता है 1.5 में, मुझे ये बताओ नेट ये किधर जाएगा, जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये नेट ये किधर जाता हुआ दिखेगा, ग्राउंड से देखने पे मेरे ख्याल से ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा 1.5 √3 की स्पीड से और इधर भी जाता हुआ दिखाएगा 0.5 की स्पीड से, बात समझ में आई है। ये जो स्पीड देखते हैं हम यहाँ से, ये इसका इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये दो वाली इसके 1.5 को काट देगी और रिवर थोड़ा सा इसको इस इधर लाएगा, कितनी स्पीड से 0.5 से। तो अब इसकी स्पीड के दो कंपोनेंट हो गए, एक ऊपर की तरफ 1.53, इस तरफ 0.5। अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड, तो एक्स एक्सिस में 0.5 आई कैप, वाई एक्सिस में 1.5 √3 जे कैप, अगर पूछ लेता है एग्जाम में, इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बता लोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड, बता पाएंगे कि नहीं, मैग्नीट्यूड मॉड लगा देंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एनीवेज हमसे पूछा है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, तो वापस आ जाते हैं अपने सवाल पे, टाइम पूछा है हमसे, वर्टिकल डिस्टेंस 0.5 डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस लिया है, तो स्पीड भी वर्टिकल, वर्टिकल स्पीड कितनी है 1.5 √3, खत्म क्वेश्चन, बोलिए समझ में आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0.5 किलोमीटर, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3 साइन 60 √3/2 1.5 √3 रख दिया, ये हट गया 5 × 5 5 × 3 = 15, सो 1/3 √3 विल बी द टाइम टेकन, क्लियर है। अच्छा फिर क्या पूछ रहा था, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक विल ही अराइव, अपोजिट बैंक पे वो कहाँ पे पहुँचेगा, एट व्हाट पॉइंट विल ही अराइव, टाइम समझ में आ गया है, वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल स्पीड, ठीक है 1/3 √3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइम 1/3 √3। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक विल ही अराइव, अब मुझे बताओ अगर वो ए से निकला है तो क्या वो बी पे पहुंचेगा इस बार, जस्ट आंसर मी, क्या वो ए से बी पे पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार उसके पास कौन सी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, इस तरफ भी चलेगा और नेट जब देखोगे तो थोड़ा सा इधर आएगा, कि इधर जाएगा डिसाइड करो इस तरफ, क्योंकि नेट वेलोसिटी इस तरफ बन रही है उसकी, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, आइए देखिए, ठीक है, तो ये बंदा जो था बेचारा इधर जाना चाहता था कितनी स्पीड से 3, इसकी इस तरफ स्पीड कितनी बनी थी 1.5, ऊपर की तरफ कितनी बनी 1.5 √3, और रिवर इसको इधर ले जाना चाहता है 2 से, तो ओवरऑल ये ऊपर जाएगा, ये तो हो गया डिवाइड दो में, ओवरऑल ये ऊपर जाएगा और इधर जाएगा ए कितनी स्पीड से 0.5, तो ओवरऑल ये ऊपर गया और इस तरफ, मतलब ऊपर यहाँ जाना चाहता था और पहुँचेगा यहाँ, ये वाली स्पीड कितनी है इसकी 0.5 किलोमीटर पर आर, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया 0.5 किलोमीटर पर आर ए बी सी, और जाना किधर चाह रहा था यहाँ डी पे कहीं, इधर निकला था, रिवर ने उसको काट के इधर ले आया, क्योंकि इसकी पीछे की स्पीड कितनी थी 1.5 और रिवर आगे कितनी स्पीड दे रहा था 2, तो ये वाला डिस्टेंस रिवर ने इससे कवर कराया 1.5 और वापस फिर यहाँ ले आया, नहीं समझ में आया, आया। अब हमसे पूछा ये डिस्टेंस कितना है BC, तो BC डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं स्पीड इनटू
टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 0.5 और टाइम कितना है 1/3√3, तो इसको 1/2 लिख सकते हो, 1/2 × 3 तो 1/6√3 किलोमीटर्स। और कहाँ पे है डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, है ना, कि इस तरफ तो नहीं है, है ना, इसी तरफ, क्यों इस तरफ है, क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने आपके एचसीवीज ले लिए, आप लोग हमेशा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, मान लीजिए इनसे बोलता है रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला सब लोग खुद करेंगे, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको दे रखा है सपोजिटली 2 km/h, और ये बंदा इधर स्विम किया रिवर से डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h, ठीक है, और सच दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री आपको फाइंड करना है, और ये ड्रिफ्ट विड्थ दे रखी है, विड्थ इज गिवन टू अस एंड विड्थ इज 12 km, यू हैव टू फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, यू हैव टू फाइंड एट वॉट पॉइंट ही अराइव्स, और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड का मैग्नीट्यूड। तो ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन, चलिए सब लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करें, 1 2 3 4 खुद से सॉल्व करें, 1 2 3 4, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप आ गए, अरे भाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनसाइड रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द ग्राउंड फ्रेम। अच्छा भाई, तो इसको हम बना लें, आओ इसको मिटाल लें। अच्छा, तो इसको बनाते हैं, तो ये इधर है 5, एंगल है कितना 37 डिग्री, तो यार कॉम्पोनेंट बोल, इधर 5 cos 37, इधर बोल 5 sin 37, ठीक है। cos 37 कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने, 4/5, तो कितना आएगा 4, sin 37 3/5, तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 3 से जा रहा, इस तरफ 4 से जा रहा, तो अपन सीधा सीधा लिख लें कि ऊपर की तरफ जाना चाहता है 3 km/h से, इस तरफ 4 से, रिवर इसके इधर ले जा रहा है पीछे की तरफ, तो रिवर किधर लाया पीछे 2। तो ओवरऑल जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो इसकी स्पीड हमें क्या दिखेगी, कि ऊपर की तरफ जाना चाह रहा 3 से, और इस तरफ नहीं पीछे की तरफ ना 2 और 4, पीछे की तरफ जाना चाह रहा 2 से, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहें, तो 2 है आई कैप में किस तरफ, माइनस में, प्लस 3 है जे कैप में। इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड बता रे, तो 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर, बोल सही है, √4 + 9 √13 km/h जब यहाँ से देख रहे हैं तो। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ये होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हो, tan θ = 2/3 perpendicular by base से, ठीक है। अच्छा फिर हमसे पूछा है टाइम, फिर क्या पूछा है टाइम, तो भाई साहब टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस देखो कितना है 12, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3, तो कितना हो गया 4r, खत्म। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस लिया, वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड ली, 12/3 कितना आया 4 घंटे, पहला पॉइंट सॉल्व। फिर पूछा था कहाँ पे पहुँचेगा वो, एट वॉट पॉइंट डज ही अराइव, तो मैं यहाँ टाइम लिख लूँ इस बार का, टाइम आया 4r, एट वॉट पॉइंट डज ही अराइव, तो इसको जरा मिटाते हैं, आओ। तो ये भाई साहब यहाँ से निकलना चाहते थे 5 से, ठीक है, तो इसके 5 के 2 कंपोनेंट किए, ऊपर आया 3, इधर आया 4, रिवर ने पीछे खींचा 2, पर पीछे खींचने के बाद भी इसकी स्पीड इसी तरफ बनेगी क्योंकि इधर ज़्यादा है, तो 2, तो ओवरऑल जो इनकी फाइनल स्पीड दिख रही है वो ऊपर की तरफ 3, इस तरफ 2, मतलब वो कहीं यहाँ पहुँचेंगे, ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं 3 से, और इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना चाहते हैं किससे, 2 की स्पीड से। तो आप ए बी सी, कहीं इस तरफ होगी इनकी ड्रिफ्ट, और कोई पूछे कितना ड्रिफ्ट हुआ, ए से निकले थे पहुंचे कहाँ हैं सी पे, तो आप बोलोगे विच इज़ बी सी, और ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम। अब इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 2, और टाइम कितना है 4 × 2 = 8 km, तो यहाँ से 8 km, सो दिस इज 8 km एंड दिस वॉज 12 km। कोई पूछे वॉट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, तो एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स ये वाला है ना, एक्चुअली तो इस पाथ पे गया, 12 इधर चला 8 इधर, तो ये भी निकाल सकते हो √12 ² + 8² क्लियर हो गया कहानी। अच्छा तो बच्चों यही सब सवाल इसके आते हैं, और जो आखिरी सवाल बच्चों इसका आता है, जो आखिरी सवाल आता है बच्चों वो आता है कि
ही वॉन्ट्स टू स्विम इन मिनिमम डिस्टेंस, या कई बार बोलता है मिनिमम टाइम, सबसे कम डिस्टेंस में स्विम करना चाहता हो, सबसे कम डिस्टेंस में स्विम करना चाहता हो या सबसे कम टाइम में स्विम करना चाहता हो। तो आइए मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम का केस लेते हैं लास्ट में, ठीक है। इसी के लिए शायद आपने पूरा लेक्चर देखा हो, पर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ हमेशा, भाई क्या करें हम। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, सुबह के बज रहे हैं 10:30-11, ठीक है। एक वीडियो अभी अपलोड हुआ है प्रायोरिटी टेबल का, दूसरा हम बना रहे हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी वीडियो को लेके, और ये वीडियो यार बढ़िया ही बना होगा होपफुली, इसको काट दूंगा। मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना है, मान लो ये अपना रिवर है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, कुछ भी है सपोजिटली। अब वैल्यूज नहीं ले रहा, अब तो समझा रहा कहानी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा ना सॉल्व कैसे करना। अब मान लो बंदा ए से निकला, मिनिमम डिस्टेंस स्विम करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्विम मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वो चाहता है कि जो उसका ड्रिफ्ट हो, जो उसका क्या हो, ड्रिफ्ट हो। ड्रिफ्ट कितना आए उसका, जीरो आए। ड्रिफ्ट कितना हो, जीरो, मतलब जहां से निकले थे वहीं पहुंच जाए, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। तो अगर आप ड्रिफ्ट जीरो चाहते हो तो मिनिमम डिस्टेंस स्विम मत बोलो, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, ठीक है। मतलब ए से निकल कर कहाँ पहुंचे, बी पे। तो अब इसका आप कंसेप्ट तो समझ ही रहे हो कि इधर हम ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ डायग्राम बनाओगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। चलो एक काम करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, किस तरफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस थीटा, एक इस तरफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू का साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इसे पीछे लाना चाहेगा। अब आप चाहते हो ड्रिफ्ट जीरो, जहां से निकला एग्जैक्टली सामने पहुंचे, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर ले, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो, जीरो, ना इस तरफ भागे ना इस तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड के, है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के। क्लियर हो गई बात, इसको कई बार किताब में सीधा ऐसे लिख देगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो आपको समझना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में, है ना, बाहर से नहीं देख रहा बंदा स्विमर की, रिवर के रिस्पेक्ट में। ऐसे भी समझ सकते थे यार, इस तरफ जाना चाहता है वीएसआर से, रिवर इधर भागाना चाहता है इसको वीआरजी से, यहां से साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दिस इज द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर थ्रू मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऐसे तैरो, ऐसे तैरो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड रिवर की स्पीड को कैंसिल मार दे, ऐसे तैरो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड रिवर की स्पीड को कैंसिल मार दे और तुम वर्टिकली अपोजिट पहुंच जाओ, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। दूसरा जो टॉपिक पूछता है दूसरा जो टॉपिक पूछता है बोलता है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लें। तो यार ये सब सवाल टीचर्स जूल में सबसे पहले कराते हैं, मैं इसको लास्ट में करा रहा हूँ, पहले आप कंसेप्ट पकड़ो फिर ये सब समझ लोगे तो बड़ा आसान है। पहले इसको याद कर लोगे ना सारे क्वेश्चन, फिर इसी सॉल्व करने चक्कर में रहोगे, तुम सोचोगे यार सारे क्वेश्चन मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम, ऐसा नहीं होता। आओ देखो, अब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो बंदा ए से निकला, अब चाहे वो बी पे पहुंचे चाहे सी पे पहुंचे डी पे पहुंचे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है मिनिमम टाइम से। तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर किस तरफ रखें इस बार बताओ, ऐसे रखें पता नहीं, ऐसे रखें पता नहीं, तुम्हें जिधर मन हो उधर रख लो, जिधर मन हो, चलो इधर रखना माने इधर रख लो, इधर रखने माने इधर, जहां चाहो वहां रख सकता हूं मैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैंने मान लिया ये थीटा, मान लिया जो विड्थ है वो डी है, अब मुझे टाइम बताओ। तो टाइम के लिए क्या, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड, या चाहो तो कभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब जो कवर हो रहा हो अपॉन हॉरिजॉन्टल, बस जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस लो उसी डायरेक्शन का स्पीड लो। अच्छा यहां पे आप क्या करोगे, इसकी वी एस आर और ये एंगल थीटा, तो इधर आएगा वी एस आर कॉस थीटा, सॉरी इधर साइन थीटा आएगा ना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस, इधर आएगा वी एस आर कॉस थीटा, और रिवर भी इसी तरफ भगा रहा है, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा एनीवेज,
अब टाइम इज इक्वल्स टू, मैंने वर्टिकल डिस्टेंस लिया डी, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है ये वाली वी एस आर कॉस थीटा। अब टाइम तुमको चाहिए मिनिमम, टाइम मिनिमम चाहिए तो ये टर्म कैसा हो मैक्सिमम। भाई ये चीज छोटी करनी है तो ये चीज बढ़ानी पड़ेगी डिनोमिनेटर वाली, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कैसी हो मैक्सिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन। नहीं समझ में आ रहा, टाइम को छोटा करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है वन। कॉस थीटा वन कब आता है, जब थीटा कितना हो जीरो डिग्री, मतलब दिस एंगल शुड बी जीरो डिग्री, जिसका मतलब है उसको ऐसे स्विम करना चाहिए। हो 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 हो, मतलब मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस करना है ही शुड स्विम, ही शुड ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, जबकि असल में वैसा हो नहीं पाएगा। जब वो इस तरफ तैरना चाहेगा तो रिवर उसे ड्रिफ्ट करा के इधर ले आएगा, तो हमें अब ड्रिफ्ट से मतलब ही नहीं है। अब हमें किससे मतलब है, मिनिमम टाइम से। ड्रिफ्ट होता है तो होए, अपने से मतलब नहीं, अपने को मतलब मिनिमम टाइम से। तो मैंने स्पीड को इस तरफ ले लिया, स्पीड का वर्टिकल कॉम्पोनेंट वी एस आर कॉस थीटा, टाइम इज इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता नहीं था। अब टाइम छोटा करना है तो इसको बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू वन, थीटा की मैक्स थीटा की वैल्यू जीरो, तो थीटा जीरो मतलब ऐसे। तो बच्चों ये इसके सवाल थे यहाँ पे जो हम कर सकते थे, और भी इसके सवाल आपको किताब मिलेंगे, सवाल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ओके।